माय चैनल एम वाई कंस्ट्रक्शन एंड टेक। बनाना है अच्छा मकान तो ज़रूरी है हाउस प्लान। इसी तरीके का एक हाउस प्लान लेकर हाजिर हुए हैं, जो ये 300 गज़ में, ये 350 गज़ में बना हुआ है। आइए देखते हैं किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है अपने व्यूअर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस इज़ मेन गेट। मेन एंट्रेंस जो रहेगी वो 10 फीट वाइड रहेगी। यहाँ से 10 फीट का ये गेट है। गेट से हमारी एंट्री होती है। ये रोड गया है हमारा 10 फीट चौड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी कार जो है वो यहाँ पार्क होगी। यहाँ से ही हमारे सेकंड गेट इस साइड दिया है, तो अगर इस साइड से हमारी एंट्री रहेगी तो इस साइड से बाहर हो जाएगी कार, अगर इस साइड से एंट्री रहेगी तो इस साइड से बाहर हो जाएगी फ्रेंड्स कार, ओके फ्रेंड्स। एंड यहाँ हमने एक गार्डन दिया है यू शेप में, ताकि यहाँ एक लुक बन सके। एंड जो इसका जो कर्व रहेगा वो इस साइड में एक गार्डन दिया है एंड इस साइड में एक गार्डन दिया है, तो काफ़ी ग्रीनिश एरिया है हमारा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ। और यहाँ अपने प्लांट वगैरह लगा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है यहाँ से हमारे गेट के अंदर। गेट के साइज़ की बात करें तो ये 7 फीट चौड़ा गेट है, 7x7 का। यहाँ से हमारी एंट्री होती है लॉबी एरिया के अंदर। लॉबी एरिया की साइज़ की बात करें तो ये 32x32 की लॉबी है, काफ़ी बड़ी है। लॉबी हॉल है ताकि यहाँ कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो सके फ्रेंड्स। गेस्ट टाइप का ये हॉल है, जैसे हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ हम अपना स्टे करा सकते हैं। यहीं हमारी एक एंट्री होती है बेडरूम के लिए। बेडरूम के साइज़ की बात करें तो 15x12 का ये बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इस में हम डबल बेड यहाँ सेट कर सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ लगा सकते हैं, एक अलमीरा यहाँ सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ एक विंडो दी है, जिसके साइज़ की बात करें तो 4x4 की ये विंडो है, ताकि यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहे एंड जो भी इसमें एयर वगैरह जो एंटर होती रहे फ्रेंड्स। यहाँ से हमारे एक गेट दिया है 3x7 फिट का, तो यहाँ से लॉबी के लिए हम एंटर कर सकते हैं, लॉबी में जा सकते हैं फ्रेंड्स। एंड यहाँ हमारा एक टॉयलेट अटैच है, तो टॉयलेट की बात करें तो 4.5x7 का ये टॉयलेट है। 2x2 का वेंटिलेटर दिया है, ये भी फॉल स्मेल होगी, पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारे स्टेयरकेस के लिए। स्टेयरकेस की साइज़ की बात करें तो ये 3.5 फीट चौड़ा ये स्टेयरकेस है एंड 12 इंच की इसकी ट्रेड है। राइजर जो रहेगा वो 6.5 इंच रहेगा, काफ़ी सुकून से हम इस पर स्टे कर सकते हैं। यहाँ हमारी लैंडिंग रहेगी, लैंडिंग से फर्स्ट फ्लोर पर। जो लैंडिंग की हाइट रहेगी वो तकरीबन 7 फीट ऊँची रहेगी, ताकि यहाँ से बाहर एक गेट है, गेट से ही हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और आ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट एंट्री होती है इस साइड में, तो इस साइड में हमारा जो रहेगा ये किचन है। गलती से जो है हमारा, हमने इसको बेडरूम लिख दिया है, यहाँ किचन लिख दें अभी। ये हमारा किचन रहेगा, ओके फ्रेंड्स। ये किचन है हमारा। किचन की साइज़ की बात करें तो ये 12x9 का किचन है, काफ़ी बड़ा ये किचन है प्लॉट के हिसाब से। ये हमने एक डोर दिया है इस साइड किचन के लिए एंड यहाँ से हमारी एंट्री होती है एक स्टोर रूम के लिए। तो ये किचन का जो स्टोर रूम रहेगा, या इसको बेड किचन भी बना सकते हैं, यहाँ का बर्तन वगैरह भी धोने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस किचन के वेंटिलेशन की बात करें तो ये 4x4 की एक विंडो दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा फ्रेंड्स। एंड स्टोर के लिए 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। एंड इस लॉबी के लिए हमने यहाँ दो विंडो यहाँ दी है, 5x4 की, 5x4 की इस साइड, तो यहाँ से वेंटिलेशन होता रहेगा। एंड यहाँ पर भी विंडो हैं, तो यहाँ से काफ़ी सुकून रहेगा एंड नेचुरल एयर एंड सनलाइट एंटर करती रहेगी फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा ये प्लान। इसका ये ग्राउंड फ्लोर प्लान था, अब ये हम फर्स्ट फ्लोर प्लान आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। तो ये हमारा नीचे का तो सेम ही रहेगा पोर्शन, जो हमारा कवर्ड एरिया है उसमें हम ऊपर आ गए फर्स्ट फ्लोर पर इस साइड से। ये हमारा एक बेडरूम है यहाँ, यहाँ हमने 4 बेडरूम बना रखे हैं, तो देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किए हैं। यहाँ से हमारा 4x4 की एक विंडो साइड दी है इस रूम के वेंटिलेशन के लिए एंड यहाँ कवर्ड दी है, तो यहाँ से हम अपना कवर्ड लगा सकते हैं। टीवी यूनिट यहाँ सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। टॉयलेट जो है वो इस सेम साइज़ का यहाँ है, 4.5x7 का, तो टॉयलेट भी यहाँ है। वेंटिलेटर के लिए 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, जो भी फॉल इसमें होगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स।
नेक्स्ट कॉमन टॉयलेट है, यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दिया है ताकि कोई भी बाहर से आए तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके वेंटिलेशन के लिए 2x2 का वेंटिलेटर दिया है, तो यहाँ से इसकी जो फॉलिश में होगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट रूम में एंटर करते हैं। जिसके साइज़ की बात करें तो 15x12 का ये भी बेडरूम है, सारे बेडरूम ने साइज़ का सेम रखा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यह हमने 5x4 की एक विंडो इस साइड दी है, तो यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन है। एंड ये डोर दिया है, यहाँ से हम अपने बालकनी में जा सकते हैं फ्रेंड्स। बालकनी का बाहर का भी हम मौसम देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ हमने एक टॉयलेट अटैच दिया है, जिसके साइज़ की बात करें तो 4x7 का ये टॉयलेट है, काफ़ी बड़ा ये टॉयलेट है। तो यहाँ से 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है, यहाँ से इसका फॉल्स में लोगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी बेडरूम नंबर 3 के अंदर। बेडरूम नंबर 3 की बात करें तो 15x12 का ये भी बेडरूम है, यहाँ एक कवर्ड दिया है हमने, 5x4 की एक विंडो दी है, तो इसका जो भी वेंटिलेशन होगा पास इससे होता रहेगा। एंड यहाँ एक टॉयलेट अटैच दिया है 4.5x7 का, तो ये इसमें अटैच टॉयलेट है ताकि यहाँ से जो भी इस रूम में रहे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये 2x2 का एक वेंटिलेटर दिया है इस टॉयलेट के लिए, तो यहाँ से जो भी फॉल इसमें होगी पास आउट हो जाएगी इस वेंटिलेटर के थ्रू। नेक्स्ट एंट्री होती है बेडरूम नंबर 4 के अंदर। बेडरूम नंबर 4 की बात करें तो ये 15x12 का ये बेडरूम है फ्रेंड्स, और यहाँ से इसका डोर दिया है, तो ये बालकनी है, इसके लिए भी तो हमने बालकनी दी है। एंड 4x4 की एक विंडो दी है, यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। एक कवर्ड इस साइड दी है, तो यहाँ से हम अपना कवर वगैरह लगा सकते हैं, टीवी यूनिट यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। लॉबी एरिया की साइज़ की बात करें तो 39x9x17x6 की ये लॉबी, काफ़ी बड़ी ये लॉबी है फ्रेंड्स। और यहाँ हमने एक 3 फिट की एक बालकनी भी दी है साइड पूरे में, तो यहाँ से एक लुक भी अच्छा सा नज़र आएगा। एंड ये कार पोर्च एरिया दिया है, यहाँ पर हम ये स्लैब कास्ट करेंगे ताकि यहाँ पर अपने जो कार आए हमारी, अगर हम कार के अंदर हैं तो जो है बारिश वगैरह हो या धूप हो तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, हम अपने घर में एंटर ईजिली कर सकें फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी लुकिंग प्लान है इसका, एलिवेशन बहुत खूबसूरत बनेगा, हम ज़रूर आपके लिए इसका एलिवेशन भी हाजिर करेंगे जल्दी से जल्दी। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ हमने इसका शेड्यूल दिया है डोर विंडो गेट वगैरह का, तो ये आप देख सकते हैं सारा, इसके अंदर हमने डिटेलिंग दिया है। ये 350 का ये प्लॉट है जिसके हमने डिज़ाइन किया है। ये हमारा जो कवर्ड एरिया रहेगा तकरीबन 200 स्क्वायर फिट में रहेगा, 200 गज में रहेगा फ्रेंड्स। एंड बाकी जो एरिया है वो हमारा ग्रीनिश एरिया है, काफ़ी सुकून रहेगा घर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमारे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हम इसका 3D आपके लिए ज़रूर हाज़िर होंगे लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।